तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा कोई गुणन करने को मिले जिसका यूनिक डिजिट का जोड़ होता है 10 और ढाई अंक आपका सेम होता है, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना है ढाई अंक के साथ एक प्लस कर दीजिए, फिर दूसरे ढाई अंक के साथ इसका गुणन कर दीजिए, फिर कर दीजिए क्या इकाई अंकों का गुणन कर दीजिए, तो इसका आंसर अभी निकाल जाएगा। तो 4+1 होता है 5, 5×4 = 20 और इधर 8×2 = 16। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं आपका भी सेम, ये भी इकाई अंक 10 होता है और ढाई अंक सेम है, तो ढाई अंक के साथ एक जोड़ दीजिए, फिर दूसरे ढाई अंक के साथ गुणन कर दीजिए और साइड में इकाई अंकों का गुणन कर दीजिए, हो गया। चलिए अभी करते हैं 7×6 = 42 और 3×7 = 21। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अच्छी बात बोली आपको, अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।